जहां की कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी के अधीन है, दिल्ली जहां की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार मोदी सरकार के अधीन है, वहां पिछले दिनों कई गैंग वॉर की घटनाएं दिल्ली में हुई, कोर्ट के अंदर गोलीकांड और मर्डर की घटना हुई, लेकिन अब जो शुरू हो गया है उसको जानकर आप हैरान होंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के चुने हुए विधायकों पर माफियाओं के फोन आ रहे हैं, उनसे पैसे की वसूली की मांग की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और एक दो बार नहीं है, 24 बार कॉल करके धमकी दी जा रही है, हत्या करने की धमकी, परिवार को साफ करने की धमकी, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख। दो घटनाओं का जिक्र आपको कर रहा हूं। 20 जून को दिल्ली के हमारे विधायक, 3 बार से निर्वाचित विधायक संजीव झा जी, इनके पास फोन आता है एक नंबर से और इनको कहा जाता है 10 लाख रुपए कल सुबह 12 बजे तक दे देना, वरना आपकी हत्या कर दी जाएगी, आपके पूरे परिवार को साफ कर दिया जाएगा। ये 3 बार के दिल्ली के विधायक हैं संजीव झा जी, 3 बार के विधायक हैं और सबसे ज्यादा मतों से जीते हैं दिल्ली में। 22 तारीख को अजय दत्त जी, जो हमारे अंबेडकर नगर से विधायक हैं, इनके पास धमकी आती है, इनसे 5 लाख रुपए की वसूली की मांग की जाती है। जब संजीव झा पे धमकी आई, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से मिलकर हमने शिकायत की, FIR हुई है इस मामले की, स्पेशल सेल को केस गया। उसके बाद भी एक दूसरे विधायक को, देखिए साहस देखिए, हिम्मत देखिए उन माफियाओं का, इतने मनबल हो गए, हमारे दूसरे विधायक को 22 तारीख को धमकी दी जाती है अजय दत्त जी को। तो सबसे पहले तो मैं संजीव झा जी को जो धमकी मिली उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाना चाहता हूं। प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है इनसे विधायक जी से, 3 बार के ये चुने हुए विधायक हैं, इनसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है, कह रहा है 10 लाख रुपए प्रोटेक्शन मनी दे देना, नहीं तो तुमको ठोक देंगे और तुम्हारे पूरे परिवार को फूंक देंगे। तो मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से अगर इतनी ज्यादा आपको परेशानी है और आपकी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, तो एक एक करके गोली से यहां जितने विधायक हैं मार दिए जाए। जब इसी प्रकार का अराजकता का शासन चलना है, जब दिल्ली में 3-3 बार 2-2 बार के चुने हुए विधायक सुरक्षित नहीं है, आम नागरिकों का क्या हाल होगा?
और ये एक दो बार नहीं कॉल आई है, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय ज्यादा हो जाएगा, 24 बार कॉल आई है, 24 बार। तो मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करूंगा कि ये जो लोग भी हैं और नंबर भी सेम है 9715075927177 ये शुरू में +97150759 2717 इस नंबर से दोनों को फोन आई, व्हाट्सएप के मैसेजेस आए हैं, धमकियां आई हैं दिल्ली के दो विधायकों को, संजीव झा अजय दत्त। अब देखिए क्या करते हैं लोग, क्या कार्रवाई करेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस प्रकार की बंदर घुड़कियों से आम आदमी पार्टी के विधायक नेता हम सारे लोग कोई डरने वाला नहीं है, लेकिन आपको कानून व्यवस्था की हालत दिल्ली के अंदर बता रहे हैं, देश की राजधानी जहां पूरी की पूरी केंद्र सरकार बैठी है, मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, पूरा गृह मंत्रालय है, वहां की हालत है। आप सोचिए,